कोटा के सुल्तानपुर रेंज के जंगलों में आए टाइगर से जहां वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है तो वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रणथंभौर में दूसरे भागों से टेरिटरी को लेकर हो रहे संघर्ष के चलते अपनी टेरिटरी की तलाश में टाइगर रिजर्व से बाहर निकला बाघ T110 बाघ राष्ट्रीय चंबल घड़ियान सेंचुरी के सहारे चलते हुए कोटा जिले के जंगलों में पहुंचा है, जिसकी ट्रैकिंग कोटा वन मंडल डिपार्टमेंट के 6 से 7 वन कर्मियों की टीम DFO जोधराज सिंह हाड़ा के नेतृत्व में कर रही है। यह टाइगर अभी सुल्तानपुर रेंज के जंगल में मूवमेंट कर रहा है। टाइगर का मूवमेंट आज शोपुरा गांव के पास मिला, जहां एक नाले में कई जगह पर भाग के फुटप्रिंट मिले। शाम को टाइगर का मूवमेंट मेहराना गांव के जंगलों में मिला है, जहां वन कर्मियों की टीम को बाघ के पगमार्क मिले। यह बाघ रणथंभौर से चलकर पहले बूंदी जिले के इंद्रगढ़ लाखेरी होते हुए केशवराय पाटन और फिर सुल्तानपुर रेंज में चंबल नदी के किनारे पहुंचा है। बाघ के जिले के जंगल में मूवमेंट होने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों को वन विभाग ने पत्र लिखकर अलर्ट किया है, ग्रामीण जंगल में ना जाएं।